अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत कम चीज़ों से और बहुत कम टाइम में बनने वाली एक स्पेशल रेसिपी, जिसका नाम है क्रिस्पी करारी पोहा नमकीन डोनट्स। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पोहे के डोनट्स बनाने के लिए हमने 2 कप पोहे लिए हैं। पोहे को हमें गीला करना है, तब 1 गिलास पानी डालकर हम इन्हें गीला कर लेंगे। पोहे अच्छी तरह से जब गीले हो जाएं, तब फौरन ही हम इन्हें एक छन्नी में डाल देंगे। सभी पोहे हमने छन्नी में रख लिए हैं। अब 5 से 6 मिनट तक हम इसी तरह से पोहों को छन्नी में रखा रहने देंगे, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। थोड़ी ही देर के बाद देखिए, पोहों का सभी एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। पोहे अच्छे से फरेरे हो गए हैं। अब हम इन सभी पोहों को एक मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इन्हें पीसकर एक डो बना लेंगे। आप इन्हें हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब ये ग्राइंड किए हुए पोहे हमने एक बाउल में निकाल लिए हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चावल का आटा। ये बाइंडिंग का काम करेगा। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, या टेस्ट के मुताबिक आप नमक ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याज है फाइन चॉप की हुई मीडियम साइज की, 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें पास्ता सीजनिंग। ये किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जाता है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये बहुत टेस्टी होती है, ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप इसकी जगह पर टमाटो सॉस ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च हैं ये, इन्हें भी ऐड करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, या क्वांटिटी में कम कर सकते हैं। और 3 टेबल स्पून हरा धनिया है ये बारीक कटा हुआ, इसे भी ऐड कर लेंगे। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे और एक डो बना लेंगे। सभी मसाले पोहे में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अगर आपको लगे कि अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मिक्सचर चिपक रहा है, तो हम हाथ पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसे अच्छे से एक बार और मिक्स करेंगे और दूसरे बाउल में रख लेंगे। अब हम डोनट्स बनाने शुरू करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम मिक्सचर लेंगे। जितने बड़े आपको डोनट्स बनाने हैं, आप उसी हिसाब से मिक्सचर ले सकते हैं। अब मिक्सचर को हम प्लेन कर लेंगे। और अब मिक्सचर को हम हथेली पे रखकर फैलाएंगे, जिस तरह से हम टिक्की बनाते हैं उसी तरह से। ये टिक्की बना के हम इस तरह से प्लेट पर भी गोल कर सकते हैं। इसको गोल शेप बनाने के बाद अब हम इसे डोनट्स की शेप देंगे। उसके लिए हमारे पास ये एक कैप है, वनीला एसेंस का कैप है। कैप को हम प्रेस करेंगे। आपके पास भी कोई छोटा सा कैप हो इस तरह का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जो बचा हुआ मिक्सर है इसे हम वापस रख देंगे। और ये देखिए डोनट्स की शेप आ गई है, बहुत अच्छी डोनट्स की शेप आई है। इसे हम प्लेट में रख लेंगे और बाकी के डोनट्स भी इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए सभी डोनट्स बन चुके हैं। अब हम मैदा की स्लरी यानी मैदा का घोल तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1/4 कप मैदा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे
और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें काली मिर्च पाउडर। अब इस मैदा में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना लम्स आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और इसका एक गाढ़ा घोल बना लेंगे। ये देखिए मैदा का घोल बन गया है, ये इतना पतला होना चाहिए। अब ये मैदा की स्लरी भी तैयार है और ये एक कप हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब इन डोनट्स को पहले मैदा के घोल में डिप करेंगे और अब हम इन पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अच्छी तरह से कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स को, ये देखिए इस तरह से। अब हम इन डोनट्स को प्लेट में रखते जाएंगे। अब इसी तरह से दूसरे डोनट्स को भी पहले घोल में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से हम सारे डोनट्स रेडी कर लेंगे। ये देखिए सभी डोनट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि इनकी जो कोटिंग है वो अच्छे से सेट हो जाए। और आप इन डोनट्स को 2 हफ्ते तक किसी जिप लॉक बैग या किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो 15 मिनट के बाद हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। 15 मिनट के बाद हमने इन्हें फ्रिज से निकाल लिया है, अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। अब एक कढ़ाई में हमने तेल को फुल फ्लेम पर गर्म कर लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब ये डोनट्स हम एक एक करके तेल में डालते जाएंगे। जितना स्पेस हो कढ़ाई में उतने ही पीस डालें, बहुत ज़्यादा नहीं। हम यहाँ पर 4 पीस डालेंगे और अभी हम इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। थोड़ी ही देर में जब ये नीचे से थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तब हल्के होकर खुद ही अपने आप ऊपर आ जाएंगे, तब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। थोड़ी ही देर में देखिए ये थोड़े थोड़े से सुनहरे होने लगे हैं। अब एक फॉक की मदद से हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और इस साइड से भी हम इन्हें फ्राई होने देंगे। ये देखिए दूसरी साइड से भी ये फ्राई होने लगे हैं, हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आने लगा है। अभी हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे इन्हें। ये देखिए सभी पीसेस अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें ऑयल से निकालकर एक स्टेनर में छन्नी में रख लेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। थोड़ी देर छन्नी में ही रखा रहने देंगे। अब इसी तरह से हम बाकी के सभी डोनट्स भी फ्राई कर लेंगे और सभी डोनट्स को फ्राई करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, बहुत ही टेस्टी और क्रंची पोहा नमकीन डोनट्स तैयार है। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।